तो डांस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? बस। मस्त। किस गाने पे डांस करने वाले हो आप? ये ब्लाउज पहन लिया अब आपने है? क्योंकि ध्वनि को आज उसके लिए तैयार होना, ठीक है? तो यहाँ पे ध्वनि काफी 90% तो रेडी हो गई होगी ध्वनि। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इसना सुबह सुबह क्या बनाने लग गए तुम? आज ध्वनि का है डांस कंपटीशन और ध्वनि को लेके जाना है बर्गर फ्राइज। और डांस कंपटीशन का ये बर्गर फ्राइज से क्या लेना देना है? ब्रेन ब्रेक डे है तो आज एंजॉय होगा, पार्टी होगी, डांस होगा, कंपटीशन होगा, बहुत चीजें होने वाली है। और ध्वनि को लेके जाना है बर्गर एंड फ्राइज। और जिनी बर्गर खाती नहीं तो जिनी के लिए मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। ये देखिए अलग से यहाँ पे जिनी के लिए बन रही है मैक्रोनी। इसमें एक बात बताओ। हाँ जी। ये तुम इतना कुछ बच्चों के ब्रेकफास्ट में बना रही हो, मेरे लिए क्या बनेगा? आपको इन दोनों में से जो खाना है वो मिल जाएगा। और मैं तीसरी चीज डिमांड कर दूंगा तो? भाई मेरे बस की नहीं है। कोई नहीं, चलो मैं तीसरी चीज भी बना दूंगी। लेकिन टिक्की तो इसका बहुत यम्मी लग रही है। हाँ, टिक्की यम्मी लग रही है। तो बच्चे उठे नहीं उठे? चलो मैं देखने जाता हूँ कि ध्वनि क्या कर रही है, क्योंकि उसका तो मेकअप वगैरह भी होने वाला है। आज उसका मेकअप भी होगा, तभी मैं जल्दी जल्दी आज फ्रेंड्स में 5 o'clock उठ गई थी। फटाफट मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे आज ध्वनि को भी रेडी करना है। हाँ भाई, ध्वनि उठ गए पक्का? तो डांस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? मस्त। किस गाने पे डांस करने वाले हो आप? मुझे नाम नहीं पता, मैं बाल के दिखाऊंगी। अच्छा हाँ। तो हम नहाने कब जाओगे मैडम? लेट हो जाओगे। टाइम देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, 6:16 हो रहे हैं मॉर्निंग के। भैया बहन जी जरा जल्दी से नहाने चले जाओ, ठीक है? जिनी जिनी आप भी उठ जाओ बेटा। जिन बेटा ध्वनि को तैयार करना है सबको मिलके, उसका कंपटीशन है आज, जल्दी जल्दी उठ जाओ, ठीक है? ध्वनि तो आप नहा लियो, ये ब्लाउज पहन लिया अब आपने है? क्योंकि ध्वनि को आज उसके लिए तैयार होना ना डांस के लिए, तो ये रहा ध्वनि का लहंगा। कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। ध्वनि एक बात बता, तू कपड़ों पे और मेकअप में इतनी तैयारी कर रही है, डांस में भी हुई है या नहीं हुई है? हुई है। मटके के साथ डांस कर रही हूं। ये सही है, मटके के साथ। तुम क्या कर रही हो इसमें? इससे मैं इससे क्रीम लगा रही हूं। क्रीम लगा रही है हल्की सी, देखो ऐसा लग रहा है जैसे ध्वनि की मूछें बन रही है। वो तो पापा की होती है, कैसे है ना, ध्वनि की थोड़ी ना होती है, बड़ी ध्वनि है प्यारी सी। लड़कियों की मूछें नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात कही ध्वनि ने। ओ भाई लिपस्टिक लगी होती है। फ्रेंड्स पता है आपको, ये सुबह सुबह हैंगिंग निकल गई और मुझे धागे इसके साथ टक करनी पड़ी दोबारा से। मतलब मुझे सिलाई विलाई बिल्कुल नहीं आती है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत करने का। अरे बहुत कुछ आता है तुम्हें। चलो घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अब हम इसका बन बनाते हैं। हेयर स्टाइल बन रहा है इसका। हाँ भाई ध्वनि, मेकअप आपका होने वाला है तो? यस। ध्वनि तो बड़ी क्यूटी पाई सी लग रही है। जूड़ा दिखा आपने, जूड़ा। वाओ, ये तो ओरिजिनल जूड़ा है ना इसना? हाँ, ये ओरिजिनल जूड़ा है, ध्वनि के बालों का जूड़ा है। ध्वनि के बाल इतने लंबे हो गए हैं फ्रेंड्स के, मतलब मजा आ गया। अब ये क्या लगा रही हो तुम? अब मैं इसके लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक, यस। ध्वनि को हम रेडी कर रहे हैं। फ्रेंड देखो, अगर कोई कॉम्पिटिशन वगैरह तो आप लिपस्टिक लगा सकते हो, लेकिन बच्चों को ज्यादा लिपस्टिक वगैरह ये सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ, जब इसका कोई फंक्शन होता है, स्कूल में कोई इवेंट होता है, तभी लगाती हूँ। क्यों? फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बात बता दी, अगर हम लोग कहीं पर जा रहे हैं तो मैं लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाती, मैं ट्रांसपेरेंट लिप बाम लगाती हूँ, वो भी ट्रांसपेरेंट। यस, लिप बाम तो आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब लिपस्टिक वगैरह नहीं लगानी चाहिए जब तक कोई आपका इवेंट ना हो। बिंदी बिंदी लगवाएगी ये। ओ भाई, अब ये क्या लगा रही हो? पाउडर सा ब्लश ऑन। ब्लश ऑन, ब्लश ऑन। तो चलो मैं एक बार जिनी को भी देख लेता हूँ, वो क्या कर रही है। हाँ भाई जिनी,
ब्रेकफास्ट हो रहा है? ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो? मैक्रोनी। और स्कूल में भी यही लेके जाओगे लंच में? भाई साहब आपके मजे हैं। जिन्हें आप बर्गर क्यों लेके जा रहे हैं आप वो बताओ। मैं ना बर्गर खाती नहीं फ्रेंड, बर्गर किंग का खाती हूँ, बर्गर मेनली। मतलब तेरे को मम्मी का बर्गर से अच्छा बर्गर किंग का बर्गर लगता है, तू ये कहना चाहती है? तो ग्रीन चटनी मत डलवाती तू, और केचप भी ना डलवाती तू, खबर नहीं खाती। ये भी ठीक है। अब देख तू बर्गर किंग में ना तो केचप होती ना ग्रीन चटनी होती, वो भी तो रूखा ही होता है। तो मेयोनीज होती है, तो मम्मी से मेयोनीज डलवा लेती, फ्रिज में बहुत सारी मेयोनीज रखी हुई है। ये भी ठीक है, पर आप फिर भी कोई मैं बर्गर नहीं खाती। तो मैक्रोनी लेके जा रही है तू स्कूल? मैक्रोनी लेके जा रही हूं और फ्राइज लेके जा रही हूं। फ्राइज फ्राइज भी है। तो मतलब वो हैप्पी मील लेके जा रही है? हैप्पी मील में पापा एक बात बताओ, मैक्रोनी आती है? तेरी हैप्पी मील में तो आ ही सकती है। और कोई ना कोई टॉय भी होगा उसके बैग में। एप्पल 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 एप्पल। तो यहाँ पे ध्वनि काफी मतलब 90% तो रेडी हो गई होगी ध्वनि? 100%। और ये क्या पहन लिया तूने? अच्छा ये नकली बाल है आप? ये नकली बाल है ध्वनि? मतलब तू ऑल सेट है? अपना चेहरा तो दिखा दे। नजर ना लगे। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि ध्वनि आपको कैसी लग रही है और परफॉर्मेंस भी करके दिखाएगी, मतलब बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो फ्रेंड्स। जिनी की बन रही है छोटी? जिनी तेरे भी बाल ना वैसे लंबे होते जा रहे हैं। जिनी के भी फ्रेंड्स देखो लंबे और अच्छे बाल होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे उनसे ज्यादा लंबे हैं। क्या कह रही है? लेकिन मेरे उनसे ज्यादा लंबे। अब भैया तू देख स्टार है और ये हमारी फाइव स्टार है। है भाई जिनी तुम्हारी फाइव स्टार। हाँ देखो जिनी है ही मेरी चॉकलेटी चॉकलेट। तू कैंडी है? मुझे लगा तू डेयरी मिल गया। मुझे लगा तू डेयरी मिल गया। तू डेयरी मिल्क कैंडी। चलें भाई चलें। ध्वनि ऑल सेट? मतलब आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो? 100%। तो ध्वनि बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हॉर्न बजने शुरू हो गए हैं तो आप जल्दी से जाओ। ऑल द बेस्ट। ओके ओके बाय। हाँ भाई जी नी। हाँ बाबा। कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, मतलब बहुत ही सारा मजे किए हमने। हम गए थे एटीएल लैब में, गए थे और हमने सर्किट बनाया। सर्किट बना दिया हमने 5 LED। वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं ऑनलाइन 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 सर्किट बना रहे हो? ऑनलाइन सर्किट बनाया था, सीखा था हमने। सीखा हम तो मजे किए। हाँ, तो मजे किए। पढ़ाई नहीं करी? पढ़ाई भी करी। अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी बता ध्वनि को लेने गई थी, अभी तक नहीं आई है। देखते हैं चल एक बार, है ना। तो यहाँ पर आ गई हमारी फाइनली ध्वनि। तो ध्वनि आपका कैसा रहा डांस? बहुत अच्छा। मतलब कुछ स्टेप तो नहीं भूले आप? तो सबको कैसा लगा? प्रिंसिपल मैम। तो एक क्लैपिंग हुई, दो हुई या बहुत सारी हुई? बहुत सारी। तो कोई देखो प्राइज वाइज मिला या नहीं मिला? मार्क्स ही नहीं मिले। वो कब मिलेंगे? अब घर से कल पीटीएम है। ओ भाई कल पीटीएम में तो तेरी कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स होंगी फिर। पता नहीं।
पता नहीं। तो चले हम जरा घर की ओर। चलो भैया जल्दी जल्दी जरा गाड़ी में सामान रख लो, स्कूल बैग्स वगैरह। ध्वनि तेरा लहंगा है? ध्वनि तेरा किसी ने लहंगे की तारीफ करी? सब ने सबसे बड़ा कितने किलो का था मैडम? जो आजकल आप आम खा रहे हो उससे हल्का था? भारी था, भारी था। तो सामान रख ध्वनि फटाफट से। हाँ जी ध्वनि जी, तो आप बताइए आपका दिन कैसा गया? बहुत अच्छा गया, मतलब आपकी कितनी तारीफ हुई? कितनी? बहुत ज्यादा। फ्रेंड देखो ये ना फालतू में ऐसे ही कह रही है, इसकी कोई तारीफ वारीफ नहीं हुई है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब इतने मतलब ऐसे ही आलतू फालतू वाला इसमें डांस कर दिया है। मुझे लग रहा है पापा ने हर बच्चे को अपने जैसा समझा हुआ है ध्वनि। फ्रेंड पहली बात तो ये कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। तो फिर अपने हाँ फ्रेंड देखो मेरा बच्चा मेरे ऊपर गया, तभी मैं ये कह रहा हूँ की तारीफ। ऐसा नहीं है, वो मेरे ऊपर भी गया, मेरी बहुत तारीफ होती थी और होती है और होती रहेगी, है ना बच्चों? अच्छा, कमेंट करके बताना। कोई बात नहीं, तुमको एक ऐसी चीज बताओ जिस चीज की तुम्हारी तारीफ हुई। तारीफ हुई हो? मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छा फ्रेंड्स जरा मम्मी से पूछोगे मतलब इनके 12th बोर्ड में कितने परसेंट मार्क्स आए? देखो मेरे आए थे 84-85 अराउंड परसेंटेज थी, मतलब मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में। ये नहीं था कि मैं 100 out of 100 लाती थी, लेकिन मैं अपने टीचर्स की फेवरेट रहती थी हमेशा, उनके सारे काम करती थी, उनकी सारी बात मानती थी। और अगर मेरी टीचर कभी मिली तो मैं ब्लॉग में जरूर लूंगी। देखो फेवरेट तो मैं भी था अपने टीचर का, क्योंकि क्लास में घुसते ही मैडम कहती थी पुनीत गो आउट ऑफ द क्लास। मैं मैडम को बिल्कुल परेशान ही नहीं करता था, तो मतलब मैडम मेरे से इतना खुश रहती थी कि भैया ये बच्चा सही है, मैं क्लास में घुसता और बाहर चला जाता, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा यार ये सब चीजें छोड़ो, तुम जीनी ध्वनि से पूछो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आज हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले। आज खेला 5 4 3 2 1। अच्छा 5 4 3 2 1 गेम है, 5 4 3 2 1। ये कैसा गेम है? मैं आपको घर जाके बताऊंगी। अच्छा घर जाके बताइए। और थोड़ा सा कूदने। अच्छा अच्छा जंपिंग वाला है। अच्छा जिनी आप बताओ आपका दिन कैसा गया? मेरा बहुत ही अच्छा गया, हमने बहुत ज्यादा मजे करे। बहुत ज्यादा मजे करे, पढ़ाई ही करी मतलब आज? मैंने भी उसको यही कहा था कि पढ़ने लिखने जाते हो या मजे करने जाते हो? अच्छा लंच किस किस बच्चे ने फिनिश किया अपना, जरा हाथ ऊपर करे। तो चलो आप घर जाके फिर से लंच करना है। और फ्रेंड आपको ना कमेंट करके ये बताना है कि जिनी लंच में क्या लेके गई थी और ध्वनि लंच में क्या लेके गई थी, और आपको ध्वनि की परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो वो भी कमेंट करके बताना। तो वी होप आपको हमारा ये व्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।